जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, कई कमेंट आ चुके हैं मेरे पास कि प्राण साधना क्या है, प्राण जप कैसे किया जाता है। वैसे तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आज हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि सोहंग जप या सोहंग साधना भी बोल सकते हो, और प्राण जप या फिर प्राण साधना, प्राण उपासना एक ही बात है प्यारे भक्तों। तो क्या ये दोनों एक हैं और क्या इनसे फल मिलता है, आज हम आपको ये बताएंगे। प्यारे भक्तों, हंस नाम का प्राण है, जब श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही सह की ध्वनि होती है, और श्वास के बाहर आने से हंग की ध्वनि होती है। हंग और सह मिलकर हंस शब्द बनता है, उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हंग बनता है। सो हंग शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है, इसी को अजपा कहते हैं। अर्थात अजपा मतलब जिसको जपने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप होता रहता है। तो ये जो सोहंग यानी हमारे जो श्वास आ रही है जा रही है, ये इनके साथ ही अपने आप अजपा हो रहा है। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है प्यारे भक्तों, और सहज ही समाधि भी लग जाती है। मानसिक ध्यान मतलब मन के द्वारा अपनी श्वासों का ध्यान करना होता है, मानसिक ध्यान करना, प्राण साधना बोलते हैं उसको। इसी को प्रणव योग या ओमकार मंत्र कहते हैं। ओमकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है, इसी से सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं, सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सहकार और हंगकार का स्मरण करने से प्राण उपासना होने लगती है, अर्थात प्राण जप होने लगता है। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। यही हंस सब का मूल कारण है। प्राणी के मरने पर भी यही कहने में आता है, सुना होगा ना आपने कहते हुए, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है कि हंस उड़ गया। रामचरितमानस में मानस का अर्थ मान सरोवर, जिसमें हंस निवास करते हैं। हमारे मानस यानी हृदय में भी हंस निवास करता है प्यारे भक्तों। सारी रामायण हंस की ही गाथा है। करों कहां मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हारी किस प्रकार प्रशंसा कर सकता हूँ, तुम शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस हो, तुम्हारी सदा जय हो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे ही कारण मुनि यतन कराही। जो भिसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको पाने के लिए मुनि लोग अनेक प्रकार का यत्न करते हैं, वही काक भुसुंडी जी के हृदय में हंस रूप में निवास करता है। वेद शास्त्र और पुराण इसी हंस नाम की महिमा गा रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि सोहंग साधना और प्राण साधना एक ही हैं। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।